तो आज मैं आपको एक ऐसा चीज बताने वाला हूँ जो आपने शायद ही आपके जीवन में देखी होगी। तो अब इससे समझ लगता है कि जब भी खाना खाने जाना उनको सुबह बोल दिया क्या ट्रेजिडी हो गई हमारे साथ के मेरे को बताने में हंसी आ रही कि हम क्या 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे। पानी टपक रही है ये देखो आप ये लगा रखे हैं बंगले उनमें से टपक रहा है वो भी बहुत बढ़िया सोसाइटी के और अपने यहाँ थोड़ा सा पपड़े आ जाती है और अपन टेंशन ले लेते नहीं लेना कभी। हमारा खाने का यहीं पे है कैसा लग रहा है ये लंबर कद्दू का जवाब नहीं ऐसा एक नंबर है यार कद्दू तो काकी कद्दू एक नंबर बना है तोड़ नहीं कद्दू का बहुत बेहतरीन मजा आनंद आ गया। तो आज मैं आपको एक ऐसा चीज बताने वाला हूँ जो आपने शायद ही आपके जीवन में देखी होगी। ये देखो कि बेल्ट में ड्रिल से हो रहा है छेद देखा है कभी ऐसा अपने जीवन में आपने क्या किसी ने नहीं देखा होगा मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। भैया हमारे 8वें अजूबे हैं क्या। 2 hours later अभी क्या हुआ हमारे साथ एक बड़ी ट्रेजिडी हो गई हमारे साथ के मेरे को बताने में हंसी आ रही कि हम क्या 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे कि हमारे काम जैसे जहाँ सुबह खाना खाने गए थे वहीं से खाना आने वाला था तो हम इंतजार कर रहे थे 2 घंटे तक फोन आएगा फिर आगे रह के हमने ही लगाया तो मालूम पड़ता है कि कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई उसके कारण अब हमको बनाने पड़ रहे हैं पोए। हाँ पोए सही सुना आपने। फिर हमने जल्दीबाजी में ये पोए गलाए हैं प्याज और मिर्ची आलू मटर और पोए नीम की पत्ती और सब तैयारी करी। मामा ने बोला कि आज क्या बन रहा है आज पोए खिलाता हूँ मैं और वो भी मीठे और थोड़े गीले पोए। तो आज का ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ था आपको कैसा लगा। मेरे को अब इससे सबक लगता है कि जब भी खाना खाने जाना उनको सुबह बोल दिया कि हम शाम को भी खाने आएंगे ताकि शाम का बना कर। तो कुछ आज ऐसा गड़बड़ हो गया पर चलता है कोई बात नहीं। और हमने पोए मामा के हाथ के पोए बहुत बड़े शेफ हैं जितने भी पुराने टाइम पे जब ये बच्चे थे और कॉलेज में थे जब कुछ भी प्रोग्राम होता तो ये हलवाई को छोड़ते ही नहीं थे सारे हलवाई के गुण एक इंसान में आ गए हैं। तो हमको वो मिलता है ऐसा मौका मैं खुश नसीब हूँ कि ऐसे मेरे को मिल रहे हैं मेरे को मामा के हाथ का रही जीरे से ही बनेंगे सिर्फ। ये पकेगा ना अभी इसको पकने में 5 मिनट का समय है आलू प्याज पक जाएंगे फिर हम ये डालेंगे मटर। इसी बीच हमको कुछ पोए से कुछ समझ रहे हो कोई सी रील याद आ रही है तो वो हम बनाने की कोशिश करते हैं देखो बने ही तो दिख जाएगी नहीं देखता हूँ क्या बन रहा है अभी। हाँ मामा क्या बन रहा है ये आलू प्याज की सब्जी बन रही है। अरे मामा सब्जी नहीं खाऊं आया मैं क्या खाएगा पोए बनाओ पोए। हाँ पोए खा। ये अभी तो ग्रेवी हुई है नहीं अभी पोए में ग्रेवी आई क्या। मैंने पोए का पोहे का बगा रहे बगा लग रहा है ये आलू प्याज और मटर। अच्छा इसमें कोई राय देना चाहो आप अभी तो बन जाएंगे उसके बाद राय देंगे फिर इसमें अपन डालेंगे हल्का सा टमाटर सॉस। अच्छा नए तरह के पोए खिलाता हूँ मैं आपको वहाँ पर टमाटर सॉस और जैसे आप लोग उसल पोए सुने हैं ऐसे हमारे टमाटर सॉस के पोए रहे। अच्छा बहुत बढ़िया पकड़ने का औजार बहुत जरूरी है इसके बिना पकड़ोगे तो हाथ जल जाएगा इसलिए पकड़ने का औजार हमेशा हाथ में रखो।
अच्छा ये लगाऊं क्या? ये गीले पोहा है, करना जरूरी है ना? जरूरी है, तभी चिपकते नहीं है और स्वाद जब ही आएगा। कैसे क्या बने? एक नंबर, आप खा के देखो और तारीफ करो ऐसा। चखो, आप ही बताओ ना, आपने बनाया, चख के देखो, बढ़िया है। उतना होगा है, बाजार के बोए उतना जैसा ऐसा। बाजार के? अरे यार, ये मेरे बाल कैसे निकल रहे हैं पता नहीं, अजीब अजीब से लग रहे हैं। मजा आया और ये मजा और ये मजा हम सबको दिलाना चाहते हैं। बहुत बेहतरीन यार मामा, मेरे से तो बनते ही नहीं है ऐसे। इन पोहे को क्या बोलते हैं? बोलते हैं गीले पोहे। गीले पोहे हल्के से गीले रखो आप, तो गले में फटते नहीं है। हाँ सर, आपको कैसे लगे? हाँ अच्छे लगे। कैसे? अच्छे लगे। अच्छा, बस अच्छे हैं? बहुत अच्छे लगे। अच्छा, बस बहुत अच्छे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ये व्लॉग हम अब यहीं तक रखते हैं। अब मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग में भी हमने बहुत मजे करे, आपको देख के मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। ओ मैं बचाओ।